कांग्रेस ने मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कुछ देर बाद स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी गोवा रेस्टोरेंट के बारे में बात करती नजर आई। आज भी कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है, तो वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं को लीगल नोटिस थमा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाने के बाद भी कांग्रेस के हमले जारी हैं। अब कांग्रेस ने गोवा के कुजर ए गांव में स्मृति ईरानी के नाम से आलिशान मकान का पता लगाने का खुलासा किया है। कांग्रेस के मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक ट्वीट में दावा किया है कि सिली सोल्स के कैफे एंड बार से ये घर मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दो तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिसमें से एक में जुबिन ईरानी का नाम लिखा है, दूसरी तस्वीर में 65 लाख रुपए की जानकारी और घर का पता लिखा है। आज सुबह एक और ट्वीट में कांग्रेस ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि स्मृति ईरानी की बेटी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। आगे कहा गया है कि इस अकाउंट पर गोवा बार के बारे में कई तस्वीरें थी। दरअसल जब से गोवा बार पर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को घेरा है, तब से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री की बेटी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो सिली सोल्स बार की ना तो मालकिन है और ना ही इसका संचालन करती है। दरअसल कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन पर ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने सिली सोल्स के कैफे एंड बार के लिए फर्जी दस्तावेज देकर लाइसेंस जारी करवाया है। इन आरोपों के बाद स्मृति ईरानी बैकफुट पर आ गई हैं। आज उन्होंने इस मामले में उनकी बेटी जोइश ईरानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाने के लिए कांग्रेस और उसके नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। स्मृति ईरानी की तरफ से उनके वकील ने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को नोटिस भेजा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी से भी स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने की मांग की है। लगातार गांधी परिवार के खिलाफ बोलने वाली स्मृति ईरानी अब बुरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में घिर चुकी है और कांग्रेस उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।